यहाँ पर जवाब देना पूछा गया आपसे। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? एटा जिले में है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? सेकेंड नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, तो ये किया गया है आपका सेकेंड नंबर का सी नंबर, आयत्रेय ब्राह्मण, है ना। यहाँ पर बोला गया ना राज्याभिषेक समारोह का जो विवरण है निम्नलिखित में से किसमें किया गया है, तो आयत्रेय ब्राह्मण में किया गया। आंसर आपका जाएगा सी नंबर के साथ। गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहाँ पर दिया था? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, सारनाथ में दिया था, जिसे आप ऋषि पत्तन कहते हैं। ऋषि पत्तन दिया होगा ऑप्शन में तो भी मार दीजिएगा, अगर कई बार क्या होता है सारनाथ ऑप्शन नहीं दिया होता है, ऋषि पत्तन लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऋषि पत्तन दिया होगा या सारनाथ, दोनों में सही आपका होगा। अब पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया गया था। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में प्राप्त हुआ था, है ना, ज्ञान प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, जहाँ पे मृत्यु हुई थी, कुशीनगर का जगह का नाम है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था कपिल वस्तु के, नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। कौन सी नदी किनारे जन्म हुआ था? निरंजना नदी किनारे जन्म हुआ था। ये भी कई बार पूछा गया है कि कौन सी नदी किनारे हुआ था, कई सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर यानी पाकिस्तान में बादशाही जो मस्जिद है ना, इसका निर्माण आपका करवाया था मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा। मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब थे। आंसर जाएगा विकल्प बी के साथ। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? देखिए 1857 क्रांति सभी को पता है ना, हर जगह से अपने अपने क्रांतिकारी लोगों ने यहाँ से मतलब उसका अगुवाई की थी। अब बोला गया इसमें मुगल सम्राट के बारे में पूछा गया है। हाँ देखिए यहाँ पर आंसर हमारे पीछे आ चुका है, बिल्कुल सही है ना। उस समय आपके थे ना बहादुर शाह, यानी बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर की है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? विकल्प नंबर यहाँ पे लगाना होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी नंबर वाला, पांच का बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बहुत बार बताया है। हाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके, उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी था, है ना। और एक चीज ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया था, ये तो चलो हमने बता दिया है बदरुद्दीन तैयब जी थे। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि जो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन आपका हुआ था 1887 में हुआ था, तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में हुआ था। वैसे कांग्रेस जो पार्टी है इसकी स्थापना 1885 में एओ होम इसके संस्थापक थे, है ना, ये सभी को पता है। 1885 में स्थापना हुई थी, डब्ल्यू सी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। उस समय जो आपके वायस राय थे लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। इससे प्रश्न कई बनते हैं। और यहाँ पर 1887 में जो तीसरा आपका कांग्रेस अधिवेशन आपका हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता भी बदरुद्दीन तैयब जी ने ही किया था, जो कि आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? चुने गए पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके थे। कई सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये हमने बहुत बार बताया है, है ना। किस अधिनियम को जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, क्योंकि तो इसमें एक और आता है, एक बार एक आता है माले मिंटो आता है ना, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जो एग्जाम में आता है प्रश्न तो कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा होता है कि क्या बताएं। आप देखो दोनों चीज़ों को अच्छे से कंफर्म कर लीजिए, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, मैनेज कर लीजिए। ये माले मिंटो हमने लिख रखा है, और एक एक आपका लिखा हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब ध्यान दीजिएगा इसमें प्रश्न क्या बनता है। देखिए एक आपका 1900 आपका कौन सा, ये 1919 है, ठीक है, ये तो 1919 दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में कभी कभी क्या करता है 1909 दे देता है, क्या देता है 1909 और 1919 दोनों याद रखिएगा। 1909 जो है ये आपका माले मिंटो सुधार है, और जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करेंगे ना तो वो आपका है भारत शासन अधिनियम 1919। चलो इसमें 1909 का ऑप्शन ही नहीं था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि माले मिंटो वाला कौन सा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन सा है। तो माले मिंटो पहले आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका बाद में आएगा, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। कौन सी कालक्रम है, कौन पहले आया कौन नहीं आया, यही आपको सब इसमें मिलान करना है, और ज़्यादा इसमें कोई दिमाग आपको खर्च नहीं करना है। अब देखो कितना आसान प्रश्न है। आप कहेंगे बंगाल विभाजन सभी को पता है ना, 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दरमियान हुआ था आपका। चंपारण सत्याग्रह आप जानते हैं, नील की खेती में बहुत ही जबरन करवाया जा रहा था, उसकी नील खेती करवाई जा रही थी, उससे जमीन खराब हो रही थी, खेती अच्छे से नहीं हो पा रही थी, इसके लिए महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कह सकते हैं 1917 में चंपारण यानी बिहार में पड़ता है, वहीं से आपका शुरू किया गया था। तो ये सभी को पता होगा, नॉर्मल चीज़ है। और जलियांवाला बाग बताइए किसने नहीं सुना है, 13 अप्रैल
13 अप्रैल 1919 को, है ना, 1919 को जनरल ओडायर ने क्या किया था, अंधाधुंध लोगों पे गोलियां चला दी थी। इसके बाद फिर हमारे जो क्रांतिकारी थे आपके ऊधम सिंह, है ना, फिर इंग्लैंड में जाकर जनरल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये सब आप लोग कहानी जानते होंगे, और अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी लोग जानते हैं। अब इसको अब बताइए, इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, पहले आपका बंगाल विभाजन आएगा, फिर आपका चंपारण सत्याग्रह आएगा, फिर जलियांवाला है, यानी सेकंड फर्स्ट थर्ड कहाँ लिखा हुआ है, कहेंगे आप ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ, बस सिंपल से जवाब हो गया, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगा नहीं लगा। अगला प्रश्न बताइए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या पूछा है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस पूछा गया है, प्रथम महासचिव इनमें से कौन थे, 9 नंबर का आपको जवाब देना। तो दोस्तों याद रखिएगा आपके एनजी रंगा थे, ये कौन थे आपके एनजी रंगा थे, है ना, एनजी रंगा यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, 9 नंबर का आपका डी नंबर है। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, पहली बार क्या हुआ राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, बताइए 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारे बताइए किसने, सुभाष चंद्र बोस, हाँ ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहते हैं आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया और राष्ट्रपिता पहली बार कहा था, तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। इस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, आसान प्रश्न है, उम्मीद है इसका जवाब सभी लोग सही देंगे, और सबसे ज़्यादा जो सीमा आपकी है भारत और बांग्लादेश के मध्य है, है ना, पहले नंबर पर कौन सा है, बांग्लादेश है, और अगर पूछ लेते हैं कि कितने किलोमीटर की सीमा है भारत और बांग्लादेश के मध्य, तो ये आपकी है 4096, कितनी है 4096 और दशमलवों में अगर देखेंगे तो 0.7 किलोमीटर, यानी 4096.7 किलोमीटर है, ये सबसे ज़्यादा है भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो भारत और चाइना के मध्य, और भारत चाइना के मध्य कितनी है 3488, देखो ये डाटा है, कई बार पूछा गया, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया है, है ना, 3488 किलोमीटर किसके साथ है, चीन के साथ है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। भारत पाकिस्तान की बात करेंगे तो 23 किलोमीटर है, 3323, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आपका आएगा। नाथुला दर्रा बताइए कहाँ पर स्थित है, नाथुला दर्रा जो है भारत के कौन से राज्य में है, सिक्किम राज्य में है, है ना, सिक्किम यहाँ पर देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सिक्किम कहाँ लिखा हुआ है, भारत में, अच्छा देश पूछा गया था, देश पूछा जाएगा तो आप लगा दीजिए भारत है। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म आपका सही है, कौन सा युग्म आपका सही है, गिर तो आपका देखिए गिर तो गुजरात में, गा से क्या होता है गुजरात होता है, गा से राजस्थान थोड़ा होता है, ये तो पहले ही प्रश्न आपको पकड़े मिल गया, ज़्यादा कोई इसमें दिमाग खर्चा ही नहीं करना, लेकिन बोला गया कौन सा सही है, अच्छा सही वाला पूछा ये तो गलत है। रणथंभौर की बात करेंगे, रा से क्या होता है, रा फार राजस्थान होता है, देखो रा फार राजस्थान, गा फार गुजरात, गा फार क्या होता है गुजरात, रा फार राजस्थान, ये तो नाम से ही पता चल रहा है गलत लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है केबुल लाम जाओ मणिपुर, हाँ ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, और ये जो साइलेंट वैली है सभी को पता है केरल में, कर्नाटक में कब से आ गई, ये तो केरल में पढ़ाया गया है, तो केरल होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सही वाला कौन सा है, केबुल लाम जाओ मणिपुर, तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपका मणिपुर में है। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वो कैसा है, तो आप कहेंगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये क्रम तो आपने पढ़ा ही होगा, तो आंसर देख लीजिए कौन सा होगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, आंसर आ गया पहला विकल्प होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान दीजिए, लिखा हुआ 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है, हो सकता है एक प्रश्न काफ़ी लोग पहली बार सुन रहे हैं, जो लोग बराबर पढ़ रहे हैं उन्हें एक प्रश्न हमने एक बार कराया था याद आ गया होगा, 90 ईस्ट रिज जो है ना ये हिंद महासागर स्थित एक क्या कटक का नाम है, हिंद महासागर स्थित क्या एक कटक का नाम है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगा देना है। अब देखिए 16 नंबर सबसे आसान प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न है आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लिखा हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित का मतलब ही होता है कि उसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर की हों, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हाँ देखो 16 नंबर का जवाब आ गया बिल्कुल सही है, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व यानी मिली जुली, यही हमारा क्या होता है, ये हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष है, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है सेबी के अध्यक्ष कौन है, चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हाँ सेबी के अध्यक्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हाँ देखिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट हालांकि काफ़ी कम लोगों के आ रहे हैं, है ना, कमेंट करने में क्या दिक्कत हो रही है बताइए, कोई अगर समस्या हो रही हो तो बताइए,
सिर्फ आपको कमेंट्री तो करना है, उससे क्या होता है पता चलता है। हाँ ना, कि कैसी तैयारी चल रही है कैसी नहीं चल रही, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है। हाँ, यहाँ पर माधुरीपुरी पूछ हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, उद्योग जो है किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ है, 18 नंबर बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंडस्ट्री वगैरह आपका था, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में था, पहले में कृषि था आपका, ठीक है ना, पहले में क्या था, कृषि। अगला प्रश्न बताइए, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, 19 नंबर बताइए। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपके नॉर्मन बोरलॉग को, देखिए हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है, ये आपके विश्व लेवल पे। अगर हम भारत की बात करते हैं तो एम एस स्वामीनाथन है, भारत की अगर हम बात करेंगे तो आपका एम एस स्वामीनाथन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, 20 नंबर बताइए। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल, हाँ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, 20 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, 21 नंबर बताइए। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके, तो यहाँ पर 21 नंबर का जवाब क्या होगा बताइए, 21 नंबर का बताया जा रहा है डॉक्टर शशिदान सिन्हा। देखिए पहले आपके अस्थायी थे ये 9 दिसंबर आपके 1946 को बने थे, इसके बाद जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मतलब स्थायी बना दिया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। देखिए मौलिक अधिकार हमने बताया है ये आपके भाग नंबर 3 में है, और आर्टिकल नंबर की बात करेंगे 12 से लेकर 35 के मध्य है। कौन से देश से लिया गया, ये आपका यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। देखिए समान नागरिक संहिता से संबंधित ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है। हाँ देखिए 23 नंबर का आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो ये अनुच्छेद नंबर आपका 44 है। देखो आप ऐसे भी देख सकते हैं, समान बोला गया है तो समान नंबर किसमें, 4 4 है, समान हो गया बस, है ना, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। और ये 36 से 51 में आपका आएगा अनुच्छेद नंबर 44, और 36 से 51 कौन से भाग में आते हैं, ये भाग नंबर 4 में आते हैं। भाग नंबर 4 में अनुच्छेद कितने हैं, 36 से लेकर 51 तक हैं। कौन से देश से लिया गया, आयरलैंड देश से लिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग के बारे में हमने कई बार बताया है, इसका जो अनुच्छेद है किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की चर्चा की गई, ये आपका किया गया अनुच्छेद नंबर 280 में, है ना, 280 में बताया गया है। हाँ बिल्कुल सही है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके कौन है, एनके सिंह है, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है बताइए, तो नियुक्ति कौन करता है बताइए, कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे, है ना, राष्ट्रपति। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन, जैसे आपके दिमाग में आया होगा नाम, है ना, जैसे आपके दिमाग में आया है नाम, आपके दिमाग में लग गया कि 73वां संविधान संशोधन 1992 वाला है ये, तो भाग नंबर 9 जोड़ा गया था, और भाग नंबर 9 किसे संबंधित है, पंचायत से है। भाग नंबर 9 किसे संबंधित है, पंचायत से है, और पंचायतों वाला जो बताया गया अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है, आर्टिकल नंबर 40 में बताया गया है पंचायत के बारे में। बलवंत राय मेहता, त्रिस्तरी सबसे पहले आपका राजस्थान के नागौर जिला में, फिर आंध्र प्रदेश में लागू होती है ना त्रिस्तरी का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, भाग भी याद रखिएगा, भाग नंबर आपका 9 वाला है। देखो प्रश्नों को अगर आप हर तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो फिर आप ये मान लीजिए कि आपका एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। अभी आप क्या करते हैं ना,
सही से नहीं पढ़ते, डीपली नहीं पढ़ते, एग्जाम जब होता है फिर पता चलता है ये प्रश्न गलत हो गया वो हो गया। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे तैयारी करेंगे तभी तो आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे, है ना। ये सब चीज़ें पता चलती है एग्जाम जब दे लेंगे तब, अभी कुछ पता नहीं चलता, अभी तो लगता है कुछ भी हो पढ़ते रहो सारी चीज़ें अभी समझ में नहीं आती, जब बाद में आती है जब पेपर आपका होता है। 26 नंबर बताइए पारसिक किसकी का, ये पारसिक आपकी दूरी की होती है ना, किसकी है, दूरी की है। एक सीधी सड़क पर कार की गति जो है किसका उदाहरण है, 27 नंबर बताइए। एक सीधी, देखो सीधी सड़क पर अगर कार चलेगी तो कहीं चलेगी, रेखी चलेगी, सीधी चलेगी, नागल वगैरह गाड़ियाँ भी चलेंगी, टेढ़ा वेढ़ा थोड़ा चलेगी। अगला प्रश्न बताइए, एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं क्या होते हैं, 28 नंबर बताइए। समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, है ना। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 28 नंबर में भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। 28 नंबर में क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक भी समान होते हैं, है ना। प्रोटॉनों की संख्या भी समान होती है, परमाणु क्रमांक भी समान होते हैं, इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या तो भिन्न होती है, है ना, द्रव्यमान संख्या तो भिन्न होती है, परमाणु क्रमांक समान होता है, आइसोटोप समस्थानिक होता है, इसी का एक जोड़ीदार होता है आइसोबार, जिसे आप संभारी कहते हैं। तो संभारी में इसका उल्टा कर दीजिएगा, है ना, उसमें परमाणु क्रमांक समान नहीं होते हैं, द्रव्यमान संख्या समान होते हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, प्रश्न आपके बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, अब देखो आनुवंशिकी का जनक पूछा गया है, आनुवंशिकी जनक बताइए किसे नहीं पता होगा, साइंस पढ़ा होगा अच्छे से, जरूर बता देंगे। 29 नंबर क्या है, ग्रेगर जान मेंडल ने इन्होंने मटर के पौधे पर इन्होंने पहला प्रयोग किया था, है ना। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। अब देखो किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही का मतलब होता है एक्सेप्टर, एक होता है सर्वदाता जिसे आप डोनर कहते हैं, तो सबसे ले सकता है। लेने की जब बात करेंगे ना, तो लेने की जब हम बात करते हैं तो आपका ए बी प्लस है, ए बी प्लस क्या है, सबसे ले सकता है, चाहे ए हो बी हो ए बी हो ओ से भी ले सकता है, लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना ओ, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, दे सबको सकते हैं, लेकिन जब लेने की बात आएगी तो ब्लड ग्रुप ओ से ही ले सकते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है डोनर यानी सर्वदाता। देखिए हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, है ना, बाकी जितने लोग वीडियो बाद में देखेंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगर आपने ब्लड ग्रुप की जांच कराई है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किस शब्द की वर्तनी सही है। अब देखिए वर्तनी से प्रश्न पूछ लिया गया, हिंदी में वर्तनी से भी प्रश्न आते हैं। अब वर्तनी में आप देख रहे होंगे तो अनुग्रहित कैसे लिखते हैं, अनुग्रहित कैसे लिखेंगे, अनुग्रहित होता है, जैसे एक गृह होता है एक ग्रह होता है, है ना। तो एक ये जो गृह होता है ना, ये वाला गृह होता है, एक ये होता है ग्रह होता है, तो वो लोग इसको भी ग्रह बोल देते हैं, ग्रह कार्य, गृह होता है, री इसमें री है, गृह कार्य। तो ऐसे अनुग्रहित जब लिखेंगे, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं अनुग्रहित, आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा 36 नंबर का विकल्प नंबर ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये वाला नहीं होगा अनुग्रहित, बहुत लोग ए मार रहे हैं, ए नहीं 36 का डी होगा, 36 का डी, ये री वाला री अनुग्रहित, रा का री हो जाता है ना, री अनुग्रहित। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है, 37 नंबर आपको बताना है, वीरों का कैसा हो बसंत बताइए, 37 का आंसर यहां पर क्या होगा। तो देखिए वीरों का कैसा हो वसंत, ये जो कविता है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है, आंसर आपको लगा देना है, ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ही ना हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा। अब मान लीजिए कोई हमें पहले से कोई आशा ही नहीं थी वो चीज़ हो गई, तो उसके लिए एक शब्द आप क्या यूज कर सकते हैं, अप्रत्याशित कहेंगे, कहेंगे अप्रत्याशित, मतलब हमें पहले से कोई अंदाजा ही नहीं था, है ना, अप्रत्याशित लगा दीजिए। अकाल का पर्यायवाची क्या होगा, 39 नंबर, अकाल, अकाल कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई, अकाल, अकाल का क्या होता है, अकाल का मतलब होता है दुर्भिक्ष होता है, याद रखिएगा दुर्भिक्ष होता है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। आकाश का विलोम क्या है, आप देखिए इससे आसान प्रश्न की उम्मीद आप क्या रखेंगे, कोई मतलब इससे आसान प्रश्न प्रैक्टिस सेट में हो ही नहीं सकता है। आकाश क्या होता है, आकाश पाताल, है ना, आकाश पाताल पढ़े होंगे, 40 नंबर का क्या होगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए करंट के प्रश्न हमारे स्टार्ट है, है ना, 51 नंबर बताइए, पूछा गया है 26 जनवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, है ना। यहाँ पर आपको कमेंट करना है राइट आंसर आपका क्या होगा, 51 नंबर बताइए, तो 51 का आंसर आपका हो जाएगा मिस्र के थे, कहाँ के थे ये, मिस्र के थे, ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों से 106 लोगों को सम्मानित किया गया, इसमें पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या का सही क्रम क्या है। यानी देखिए सर्वोच्च पुरस्कार आपका पहले नंबर पे कौन आता है, भारत रत्न आता है, पहले नंबर पे भारत रत्न है,
दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण है, फिर आपका पद्म भूषण है और चौथे नंबर पे आपका पद्मश्री आता है। ये आपके क्रम होते हैं पुरस्कारों के। अब आपको इनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री में बताना कितने पद मिले। हाँ चलिए कमेंट करिए सभी लोग। 52 का कह रहे हैं, 52 का बी है, 6 पद्म विभूषण मिले थे, 9 पद्म, देखो 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। और टोटल अगर पूछ लेगा कि बताइए कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, पद्म पुरस्कार लगा देगा तो पद्म पुरस्कार में तीनों आपके आएंगे, चाहे वो विभूषण हो, चाहे भूषण हो, चाहे श्री हो, और सबको जोड़ो कितना आएगा बताइए। है ना, सबको जोड़ लीजिए कितना आएगा बताइए, 106 है ना, 9 एक 10, 10 और एक कितना 16, 106 पुरस्कार कितने मिले हैं, 106 पुरस्कार, 106 पुरस्कार टोटल मिले हैं पद्म पुरस्कार जिन्हें आप कह सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन्होंने लगातार 5वीं बार बजट पेश किया और 1 फरवरी 2023 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए कितने खर्च का अनुमान लगाया गया है, कितने खर्च का अनुमान लगाया गया है, तो ये आपका लगाया गया है 45.03 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। विश्व प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन को कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 54 नंबर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका होगा, तबला वादक जाकिर हुसैन जी को जो पुरस्कार मिला है वो आपका मिला है पद्म, कौन सा, पद्म विभूषण, दूसरे नंबर का जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहले नंबर पे आपका कौन सा है, भारत रत्न है। वित्त मंत्री सीतार, यहाँ पर सीता निर्मला, निर्मला सीतारमण लिखा हुआ है, द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2023-24 में वर्तमान वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का अनुमान 6.4% है, तो बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना व्यक्त किया गया है, कितना व्यक्त किया गया है, ये आपका किया गया है 5.9%। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। केंद्रीय बजट 2023-24 में बताना है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 2023-24 में। 56 का आंसर क्या होगा, और 56 का आंसर हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं पीएम प्रणाम, है ना, जो कि बिल्कुल सही है। पीएम प्रणाम जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न बताइए, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत की पड़ोस प्रथम नीति के तहत किस देश को सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई है, किस देश को सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई है। 57 नंबर का जवाब क्या होगा, और 57 का जवाब हमारे बीच दिया जा रहा है, कह रहे हैं भूटान, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किस पुरस्कार विजेताओं के नाम पर किया गया है, किस किस पर किया गया है। 58 का आंसर क्या होगा, तो ये आंसर जाएगा परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने आकांक्षी ब्लॉकों को विकास के लिए चयन करने की घोषणा की गई है, 59 का जवाब क्या होगा, तो 59 का जवाब आपका हो जाएगा 500, कितने 500। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो वो आपकी कौन है, वो आपकी है INS, कौन सी है, INS वागीर है, INS वागीर जो है आपकी स्कॉर्पियन श्रेणी की, बोला गया था किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया प्रोजेक्ट 75 के तहत, आंसर क्या लगाएंगे, INS वागीर लगा दीजिएगा, आंसर आपका सही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 61 नंबर प्रश्न आपको बताना है, जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा, बोला गया, पूछा गया है आपसे म्यांमार की मुद्रा क्या है। देखिए आसान प्रश्न है, उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब सभी लोग सही देंगे, है ना, म्यांमार की मुद्रा बता दीजिए सभी लोग, यहाँ पर क्या होगा। चलिए 61 नंबर का देखते हैं जवाब किसका आएगा, सबसे पहले कमेंट करते रहिए। हाँ कह रहे हैं क्यात है, क्यात, म्यांमार क्यात, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही है। घुमरा का लोक नृत्य है, घुमरा कहाँ का है, ये आपका उड़ीसा राज्य का, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न बताइए, कलिमपोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, 63 नंबर में आपको बताना है कलिमपोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है, 63 नंबर, तो ये आपका है वेस्ट बंगाल में, कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। भारत में राज्यों की बात करेंगे कितने राज्य हैं, तो भारत में इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपके 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है भारत का, देखिए यहाँ पर आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, 65 नंबर, तो ये आपका है नई दिल्ली में, कहाँ पर है ये, नई दिल्ली में, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है, 66 नंबर, देखिए सार्क की जो स्थापना है आपकी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, है ना,
दिसंबर का महीना था, 8 दिसंबर। सार्क का मतलब देखिए होता क्या है, वैसे तो सार्क कैसे लिखा जाता है, SAA, लिख के दिखा दे रहे हैं, RC, ये होता है सार्क, इसको बोलते हैं सार्क। सार्क का मतलब, एस का मतलब होता है साउथ एशियन, है ना, एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये होता है। और इसमें जो सदस्यों की संख्या टोटल 8 है, कितने सदस्य हैं, 8 हैं, कौन कौन से हैं, ये कई बार पूछा भी गया है कि सार्क में जो सदस्य हैं उसमें कितने है? और इसका मुख्यालय पूछा गया, तो मुख्यालय तो आपका काठमांडू हो जाएगा, जो कि नेपाल की क्या राजधानी है आपकी। अगर हम इसमें 8 देशों की बात करेंगे तो इसमें आपके कौन कौन है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, है ना, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है और अफगानिस्तान भी है। इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, काठमांडू आपको लगा देना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 खिताब किसने जीता है, 2022 के देखिए पूछ लिया गया है। तो ये आपकी जीती थी, कौन सी थी आपकी, कर्नाकी सिनी सेट्टी, है ना। आंसर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है, 68 नंबर बताइए। तो ये आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, जो आपका मनाया जाता है ये 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 जून को आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पुस्तक नॉट जस्ट आ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI किसके द्वारा लिखी गई है, 69 नंबर। तो ये लिखी गई है आपकी, हाँ, माई इनिंग्स इन द BCCI नामक जो पुस्तक है ना, ये लिखी गई विनोद राय के द्वारा, विनोद राय आंसर सही होगा। जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है, तो ये आपके कौन बन गए हैं, ये आपके नोवाक जोकोविच हैं, जो 4 ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। याद रखिएगा आंसर जाएगी सर्बिया के हैं, है ना, सर्बिया 2022 का पूछा गया, उस समय आपके नोवाक जोकोविच ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए यहाँ से हमने कुछ आपके जनरल अवेयरनेस के प्रश्न लिए हैं, जो कि आपके टॉपिक में 10 नंबर के आएंगे। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं, जैसे आप यहाँ पर संस्कृति और पर्यटन संस्थान की स्थिति के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी कहाँ पर है, ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी आपकी भोपाल में है, है ना, ये कहाँ पर, भोपाल में है। संगीत नाटक अकादमी की बात करेंगे, आपका नई दिल्ली में, ये कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करेंगे तो ये भी आपका नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की बात करेंगे, ये भी आपका नई दिल्ली में है। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की बात करेंगे तो ये भी आपका नई दिल्ली में है। रामकृष्ण मिशन, ध्यान दीजिएगा, रामकृष्ण मिशन संस्थान, रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, ये आपका कहाँ पर है, कोलकाता में, कोलकाता यहाँ पर सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की बात करेंगे, नई दिल्ली में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की बात करेंगे, कोलकाता में। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत एवं विश्व के खेल, जैसे भारत देश के राष्ट्रीय खेल कौन कौन से, स्पेन का कौन सा है, प्रमुख देशों के हैं ये, स्पेन का है सार युद्ध है आपका, ये कई बार पूछा भी गया है। कनाडा की बात करेंगे, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कनाडा का है आइस हॉकी है, शीत ऋतु में, और लाक्रोसे जो है ये आपका ग्रीष्म ऋतु में, यानी दोनों ऋतुओं में अलग अलग आपका खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, ब्राजील का फुटबॉल है, नेपाल का देखिए अभी एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में, वॉलीबॉल है आपका, नेपाल का, इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, यूएसए का भी देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, बेसबॉल है, यूएसए क्या है, चीन की बात करेंगे, चीन का क्या है, चीन का आपका टेबल टेनिस है, फ्रांस का फुटबॉल है, इंग्लैंड का क्रिकेट है, जापान का सुमो कुश्ती है, पाकिस्तान का हॉकी है, मलेशिया का बैडमिंटन है, बांग्लादेश का क्या है, कबड्डी है, बांग्लादेश क्या है, कबड्डी आपका है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है, है ना, श्रीलंका क्या है, वॉलीबॉल, भूटान का भी एग्जाम में पूछा गया था, तीरंदाजी है। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, भारतीय अनुसंधान संगठन, है ना, भारतीय अनुसंधान संगठन की बात करेंगे, देखिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में आपका है, भारतीय दलहन की बात करेंगे ये भी कानपुर में ही है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करेंगे नई दिल्ली में है, भारत मौसम विज्ञान विभाग की बात करेंगे नई दिल्ली में आपका है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान की बात करेंगे नई दिल्ली में, राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संस्थान भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की बात करेंगे तो आपके भोपाल में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान की बात करेंगे आपका ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की बात करेंगे आपका नई दिल्ली में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात करेंगे ये आपका नई दिल्ली में है, ये भी आप कहाँ पर है, नई दिल्ली में, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे ये आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी, भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे ये भी आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी,
केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, ये आपका बैरकपुर हो जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करेंगे, ये भी आपका नई दिल्ली में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात करेंगे, ये आपका देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की बात करेंगे, ये भी आपका देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करेंगे, ये भी आपका, देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, देहरादून में है उत्तराखंड। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान की बात करेंगे, ये आपका कहाँ पर है, कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, ये भी कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल की क्या राजधानी है। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, आपका हैदराबाद में है, ये कहाँ पर है आपका, हैदराबाद में है राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे, ये आपका गुरुग्राम है, हरियाणा राज्य में पड़ता है गुरुग्राम। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो कुछ प्रश्न हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक से लिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एक साइड देख सकते हैं लेखक हैं और दूसरी साइड आपके क्या पुस्तकें लिखी हुई हैं, जैसे विष्णु शर्मा की पुस्तक कौन सी है, पंचतंत्र है। सुद्रा की पुस्तक का नाम क्या है, मृच्छ कटिकम, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। जीमूत वाहन की बात करेंगे, दाय भाग है ना, दाय भाग। बाण भट्ट की बात करें, कादम्बरी, ये भी कई बार पूछा गया है, बाण भट्ट लेखक हैं और इसकी उनकी पुस्तक कादम्बरी है ना, ये सब पूछे गए हैं। सूरदास की बात करेंगे, साहित्य लहरी सूर सागर है, बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करेंगे, चित्रांगदा है, गीतांजलि है, विसर्जन है, द गार्डनर, द हंगरी स्टोन से गोरा है और चांडालिका है। मैथिली शरण गुप्त जी की बात करेंगे, भारत भारती है ना, इंपॉर्टेंट है। अरविंद घोष की बात करेंगे, द लाइफ डिवाइन और ऐसे जान गीता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करेंगे, यहाँ पर आपका अनामिका और परिमल। विशाख दत्त की बात करेंगे, मुद्राक्षस। पाणिनी की बात करेंगे, अष्टाध्यायी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पाणिनी का अष्टाध्यायी, ये भी पूछा गया कई बार। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करेंगे, इंडियन फिलॉसफी। कल्लड़ की बात करेंगे, रजत तरंगनी। चाणक की बात करेंगे, अर्थशास्त्र है। कालिदास की बात करेंगे, कुमार संभव है, इनकी रघुवंशा में अभिज्ञान शाकुंतलम भी है। जयदेव की गीत गोविंद है। अबुल फजल की आईने अकबरी, अकबरनामा, ये दोनों हैं। कबीरदास की बात करेंगे, बीजक रमायणी और शबद है आपका। अलबरूनी की बात करेंगे, किताबुल हिंद है आपका, ये भी अलबरूनी का कई बार पूछा गया है, किताबुल हिंद आपका हो जाएगा। मुल्क राज आनंद की बात करेंगे, कुली और आपका यहाँ पर कैन फैशन ऑफ द लवर डेथ ऑफ अ हीरो। काजी नजरुल इस्लाम की बात करेंगे, अग्निवीणा है। स्वामी शिवानंद की बात करेंगे, डिवाइन लाइफ है। प्रेमचंद की बात करेंगे, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। और सचिनंद हिरानंद की बात करेंगे, कितनी नावों में कितनी बार, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सरोजनी नायडू की बात करेंगे, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द ब्रोकन विंग। सुमिता नंदन पंत जी की बात करेंगे, पल्लव चिदंबरा, चिदंबरा बहुत बार पूछा गया इनका। रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। आर के नारायण जी की बात करेंगे, डा डार्क रूम, मालगुडी डेज है ना, मालगुडी डेज भी कई बार पूछा गया, डा गाइड और माई डेज। देवकी नंदन खत्री की बात करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा चंद्रकांता। शरद चंद चट्टोपाध्याय जी की बात करेंगे, देवदास और चरित्रहीन। एडोल्फ हिटलर की कौन सी है, मीन कैंप, मेरी आत्मकथा। ई एम फोस्टर की है, अपैसेस टू इंडिया। डोमिनिक लेपियर की है, द सिटी ऑफ जॉय, द सिटी ऑफ जॉय। तो इस तरीके से जो आपका ये मॉडल पेपर था अच्छे से कंप्लीट करा दिया गया है, और जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके जो आ सकते थे वो भी यहाँ पर कवर किए गए हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, और ये क्लास सुबह की आपकी 11 बजे चलती है, सभी लोग टाइम से आ जाया करिए। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े थे लाइक।